भाई आपको बचपन से ही शौक था कि आप बड़े होके आप डॉक्टर बनेंगे? बचपन से तो नहीं, मतलब 10 के बाद डिसाइड किया था कि डॉक्टर बन जाना है, क्योंकि हमारे गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं था। हम लोग अलग अलग तरह की पढ़ाई करते थे, और लेकिन मैं मोटिवेट अपने भाई से ही होती हूं। सबसे पहले पीछे वाले बच्चों से ही पूछता हूँ, जो बच्चे मतलब पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? उनको हम पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस सी पांडे जी, जो पांडे क्लासेस के फिजिक्स के टीचर है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करते हैं जिससे उनके स्टूडेंट अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इस बार जो नीट क्वालिफाई बच्चों ने किया है, काफ़ी सारे बच्चों ने किया है, तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? बच्चे सभी पढ़ना चाहते हैं। अब बच्चों में मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये उम्र ही ऐसा होता है जिसमें वो लगभग भटकाव सा होता है। वो कभी मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने लगे, कभी दोस्ती करने लगे। तो मेन हमारा फोकस ये होता है कि तुम पहले एक डायरेक्शन में हो जाओ, और तुम्हारा जो मेन एम है वो क्या है, तुम्हारा कैरियर है। अगर तुम अच्छे से पढ़ लिया और डॉक्टर बन गए तो सारा दुनिया फिर तुम्हारा ही है। तो बच्चों को मेन समझाना यही है कि पहले उनको समझ में आए कि आखिर उनका ये जो टाइम है वो किस लिए दिया गया है। तो यही बताना होता है कि भाई देखो, बहुत सारा काम है और हर काम के लिए अलग अलग समय निर्धारित है, पर ये काम तुम्हारा सिर्फ पढ़ाई का है, इस समय तुम्हें पढ़ना ही है। और जब बच्चों के बाद समझ आ ही जाती है कि बात यही है कि हमें इस समय पढ़ना ही है, तो अब पढ़ने के लिए ही आए हैं, और फिर थोड़ा उनको एहसास हो कि हमारे पेरेंट्स हमसे बड़ी उम्मीद रखते हैं और विश्वास करके यहाँ पे भेजा है, और हमें भी अच्छा करना चाहिए। और फिर उनको ये लगता है कि हम जब कुछ अच्छा करेंगे हमारे देश का भी भला होगा, हम देश से जुड़े हुए हैं, देश का अच्छा होगा। तो फिर उनके अंदर जुनून आता है कि नहीं, अब हमें कुछ करना ही है। बस उनका जब मन सब तरफ से हट कर एक तरफ हो जाता है तो फिर अच्छा हो ही जाता है। तो मेन बस इतना ही है। अच्छा, तो सर ये बताइए, जैसे कि कुछ बैक बेंचर्स होते हैं वो सामने आने से डरते हैं, ऐसे स्टूडेंट को आप कैसे आगे बढ़ने को मोटिवेट करते हैं? बैक बेंचर मतलब वो बच्चों का क्या होता है कि वो जब वो तैयारी नहीं करके आए रहते हैं तो थोड़ा उनको लगता है, डर लगता है कि कोई सवाल मेरे से ना समझ आए और तो सर से कैसे पूछूं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको फुल्ली मैं करता क्या हूँ कि मैं सबसे पहले पीछे वाले बच्चों से ही पूछता हूँ। वो पीछे वाले को बोलोगे भाई आप जो सबसे पीछे बैठे हो आप इसका आंसर दे दो, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं, पूछना चाहिए। तो बच्चों को लगता है कि हाँ मेरे को पूछना चाहिए, फिर मैं आगे वाले से भी पूछता हूँ, फिर बीच वाले से पूछता हूँ। तो इस तरह से बच्चों को ये मालूम है कि सर कहीं से भी किसी को उठा के पूछेंगे ही, तो वो तैयारी करके ही आते हैं। और यही मेन मोटिव है कि जब वो प्रिपरेशन करके आएंगे तो उनका इंटरेस्ट आएगा, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसमें इंटरेस्ट आ गया तो फिर सारी दुनिया अलग और फिजिक्स अलग है। फिर इसमें जो खो गया तो फिर उसको लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। बच्चे अच्छा करते रहते हैं, फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट जरूर है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, और अगर इंटरेस्ट आ गया तो इससे आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 10th 12th में ये भी समझ नहीं पाते कि हमें आगे का करियर किस फील्ड में बढ़ाना है, तो ऐसे आप कैसे इसको मतलब बताइए कि कैसे बच्चा अपना मतलब जो भविष्य है वो मतलब क्या एक भविष्य बना के चले कि 12th से ही उसको पता चल जाए कि हाँ हमको आगे क्या करना है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जैसे बच्चों को पता नहीं रहता है जी, 10th तक तो खैर नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है। तो वो मेनली कुछ बच्चे तो हैं जो फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, उनको पता है, उनके पेरेंट भी बोलते हैं भाई तेरे को डॉक्टर ही बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, और पेरेंट पूछते भी हैं कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम पढ़ाई करो, इंजीनियर बनना है पढ़ाई करो। तो और दूसरी बात यह है कि बच्चे तो कच्चे घड़े जैसे हैं, अगर हम उनको जो भी माहौल देंगे वो उसी में ढल जाएंगे, वो तो किधर भी हम उनको कुछ भी बना सकते हैं। अब बच्चों को तो नहीं पता होता, ज्ञान नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या है कि वो दूसरे बच्चों को देखते हैं, दूसरे लोगों को, समाज के लोगों को जानते हैं। जैसे रिजल्ट ही निकला तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि नीट क्या है, तो लोगों से पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि भाई इसमें डॉक्टर बनते हैं। जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं या उनको इतना ज्ञान नहीं है तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत तो होती है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि थोड़ा उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, उनकी रैंक अगर 1 आनी है तो 1 नहीं आ पाती। लेकिन ऐसा नहीं है
सिलेक्शन होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, और जो बच्चे पहले से तैयार होते हैं वो कम समय में अच्छा कर लेते हैं। जी, तो सर काफ़ी सारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, तो इसको आप कितना गौरव अपने लिए मानते हैं? बच्चों ने तो काफ़ी सिलेक्शन लिया है जी। और रैंक भी अच्छी है, नंबर भी अच्छा है, पर अब जहाँ पे गौरव की बात होती है तो मैं एम तो लेके ये चलता हूँ कि अगर हर बच्चा यहाँ आता है और बोलता है कि हम नीट की तैयारी करेंगे तो इसका मतलब उसका नीट में सिलेक्शन होना चाहिए। अगर एक भी बच्चा छूटा है, नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उसे कमी मानते हैं और वो कमी हमारे इंस्टीट्यूट और बच्चे दोनों के बीच का हो सकता है। अब किसी का तो होगा, क्योंकि एक टीचर तो मैं ही हूँ, मैंने सबको पढ़ाया, कोई बच्चा टॉप कर गया, कोई बच्चे का नहीं भी हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? तो इस पे हम नेक्स्ट टाइम में फोकस कर रहे हैं कि हम सारे बच्चों को थोड़ा और उनको डेडिकेशन उनको ले आएँ कि भाई तेरे करियर को इम्पोर्टेंस रख के अच्छा करो, और हर बच्चों के और टेस्ट बढ़ाएंगे। और हमारा तो यही एम है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी आए हर बच्चा सेलेक्ट हो, और जिस दिन वो 100% रिजल्ट आएगा और फिर ऑल इंडिया रैंक 1 भी आए तो उसी दिन हम कह सकते हैं कि वो गौरव का क्षण होगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, तो ये बताइए कि नीट के अलावा और किस किस विषय की यहाँ पे पढ़ाई होती है? यहाँ पे हम मेनली फोकस्ड करते हैं बच्चों को IIT के लिए, नीट के लिए, और NDA की क्लासेस भी चलती हैं, और बाकी 9th-10th के फाउंडेशंस बैच हैं, प्री फाउंडेशन है, उसका भी बैकग्राउंड यही तीन होता है कि IIT, नीट और NDA के लिए तैयार करना, 11th-12th की फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, बस ये इतने कोर्सेस कोचिंग में। अच्छा, तो हर पांडे क्लासेस, जैसे प्रयागराज में काफ़ी सारी कोचिंग है तो पांडे क्लासेस में बहुत मानी जानी कोचिंग है, तो हर साल कितना परसेंट रिजल्ट लेके आता है ये पांडे क्लासेस? अब रिजल्ट तो अच्छा होता है जी। अब जैसे IIT का रिजल्ट निकला जी। तो एक हमारा बैच था जिसमें 45 स्टूडेंट ही थे जी। और 45 के 45 का रैंक जेई मेंस में अच्छा था, सबके परसेंटाइल 95 to 99.81 तक गया है। तो कुछ ऐसे बैच है जिसमें 100% सिलेक्शन हुआ जी। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 100% करें। अगर कोचिंग है तो 100% होना चाहिए, हम ये मानते हैं, और बाकी से बेहतर हो सकता है, लेकिन जो हमने सोचा है अभी वो चीज़ हमने अचीव करना बाकी है, क्योंकि बाकी से बेहतर हो सकता है, बाकी इंडिया में सबसे अच्छा परसेंट होगा। सब बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, कम रिजल्ट आते हैं, हमारे पास जो बच्चे हैं उसमें बहुत परसेंट आते हैं, बहुत रिजल्ट आता है, बाकी से आप कंपेयर करेंगी तो आप ये 1 पे रख देंगे कि इंडिया में 1 की कोचिंग है, लेकिन अभी हमारे नज़रों में अभी होना बाकी है। अच्छा, तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप कुछ बच्चों को कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे, कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बच्चों का देखिए हमारा यही मोटिवेशन है कि भाई देखो आपको ही कुछ करना है और आप अपने अंदर द्वंद्व ना बांधो, मतलब आलस्य को ख़त्म करो और अपने से मत लड़ो, अपने को आगे बढ़ाओ, दो चीज़ों की तरफ ना चलो, और अपना पूरा दिमाग लगा के रखो कि इस समय हमें पढ़ना है, माने पढ़ाई करनी है और देश और समाज की सेवा करनी है। और जब ये मन में ये फीलिंग होगी कि हमें लोगों के सम्मान के लिए भी पढ़ना है, पेरेंट के सम्मान के लिए, तो डेफिनेटली बच्चा करेगा ही करेगा, और यही जीवन का मतलब ही होता है। केवल ये नहीं है कि बस खाना कमाना, नहीं, कुछ करके यहाँ के लोगों के लिए करके जाना और उनके लिए कुछ करना, क्योंकि वो देश के बेटे और बेटी बने और यही उनके जीवन में सबसे बड़ा क्षण होगा, और इसी के लिए शायद उनका जन्म भी हुआ है, क्योंकि ये जीवन जो है वो 1 यूज है, जो पल गया वो वापस नहीं आएगा। समय को पहचाने और अपने विषय पे समय दें, अच्छा करेंगे निश्चित अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर कोई टॉपर है तो वो भी उन्हीं जैसा है, बस अंतर वही है कि उसने अपने लक्ष्य पे ही फोकस किया, और अगर कोई बच्चे का नंबर कम हो जाता है तो वो सच्चाई वो जानता है कि उसने उसके बजाय भी कहीं और फोकस किया जिससे उसका थोड़ा लॉस हो गया। तो बच्चे कंसंट्रेट हों, अपने टारगेट पे फिक्स रहें, और हर सफलताएं उनके कदमों को चूमेगी और वो सब अच्छा करेंगे, ये मैं इतना तो श्योर है, मैं इतना जानता हूँ, और यही होता है और यही सच भी है। धन्यवाद जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ अभी SC पांडे जी थे, जो पांडे क्लासेस में फिजिक्स के टीचर्स हैं, तो उनसे हमने बातचीत की और जाना कि वो
कितने गौरव की बात मानते हैं इस सफलता की ओर, तो उन्होंने बताया कि हाँ थोड़ा सा उनको निराशा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर बच्चा कोई आया है, हर स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करने के लिए आया है, तो हर बच्चा को होना चाहिए नीट क्वालिफाई, लेकिन कुछ बच्चे के अंदर कसर रह गई है, तो वो आगे सुधार करेंगे, वो जानते हैं कि हाँ कैसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो